प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 154 हो चुकी है। आज प्रदेश में 21 नए कोरोना के मामले सामने आए। टोंक में आज 12 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। सभी तबलीगी जमात के लोगों से संपर्क में थे। जयपुर में 7 पॉजिटिव तबलीगी जमात से मिले। 6 महाराष्ट्र और 1 झारखंड से जयपुर आए थे। RUHS में आइसोलेशन में उन्हें रखा गया था। बीकानेर में भी 2 तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव मिले और सबसे अधिक जयपुर में अब तक 48 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भीलवाड़ा में 26 कोरोना के मामले सामने आए और अब तक भीलवाड़ा के 17 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। राहत की बात, टोंक में अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। जोधपुर में 10, झुंझुनू की अगर बात करें तो 9, चूरू में 8, अजमेर में 5, डूंगरपुर में 3, अलवर, प्रतापगढ़ और बीकानेर में 2-2, पाली, सीकर, भरतपुर, धौलपुर और उदयपुर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ईरान से 18 भारतीय भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 23 तबलीगी जमात के पॉजिटिव मिले हैं, जो एक बड़ी संख्या है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 3 की मौत हुई है। 2 भीलवाड़ा और 1 अलवर के पॉजिटिव की मौत हुई, जो बुजुर्ग थे। प्रदेश में अब तक 21 कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है और 11 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में उसके मुताबिक तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या कोरोना वायरस की बढ़ी है, जो पूरे प्रदेश के लिए, हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। हालांकि डरने जैसी कोई बात नहीं है, चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन ये आंकड़ा अचानक 154 हो गया पूरे प्रदेश के अंदर पॉजिटिव केसेस का। इसमें से हालांकि हमने 21 नेगेटिव भी किए हैं और कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी किया है, लेकिन मेरी प्रदेश के तमाम, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हों, सिख धर्म को मानने वाले हों, जैन धर्म को मानने वाले हों, ईसाई धर्म के मानने वाले, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, वो अपनी पूजा, इबादत, नमाज जो भी करें वो तो अपने घर में रह के कर सकते हैं, लेकिन एक साथ इकट्ठा होके जब लॉकडाउन का ये दौर है, बार बार जोर दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग पे, भीड़ ना इकट्ठी हो एक जगह एक साथ, इस पे बार बार जोर दिया जा रहा है, बार बार हाथ धोने की बात कही जा रही है। ये किसकी जिंदगी बचाने की बात कर रहे हैं हम? ये आम आदमी की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। हम अपने आप को बचाएं, ये वक्त का तकाजा है, और हमारी वजह से दूसरा आदमी संक्रमित नहीं हो, ये भी धर्म का ही काम है। और किसी को इजाजत ये सरकार नहीं दे सकती कि आप खुद संक्रमित होकर आए और दूसरे लोगों को संक्रमित करते रहे। और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए प्रदेश में 11 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, 154 संख्या पहुंच चुकी है कोरोना पॉजिटिव लोगों की, 3 की मौत हुई है, 3 बुजुर्ग थे और अन्य बीमारियों ने भी उन्हें जकड़ रखा था। ऐसे में अब जो कोरोना पॉजिटिव है उन्हें बचाना, उन्हें ठीक करना चिकित्सा विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती। जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूँ जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से चिकित्सा मंत्री ने भी कहा था कि हालांकि इस महामारी को रोकने के लिए पूरा चिकित्सा महकमा और सरकार लगी हुई है कि इसको कैसे जैसे कंट्रोल में किया जाए, लेकिन जिस तरह से आज एक ही दिन में 21 नए और मामले सामने आए हैं, जिसमें जो 12 मामले टोंक से आए हैं वो कोरोना जो तबलीगी जमात से आए हुए लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। इस तरह से कम्युनिटी में धीरे धीरे लगातार फैलता जा रहा है। इसी तरह बात करें तो अब तक कुल जो 23 तबलीगी जमात के लोग प्रदेश में पहुंचे थे वो पॉजिटिव सामने आए हैं। ऐसे में लगातार जो कोरोना का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, इनमें से 11 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। बात करें भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा में अब तक 26 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई थी, जिनमें से 17 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जो स्वस्थ हो चुके हैं। और अन्य जो मरीज प्रदेश में कोरोना के जो मिल रहे हैं उनका भी इलाज किया जा रहा है, उन्हें भी उसी तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है जिस तरह से अब तक जो 21 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव है उनको जिस तरह से इलाज दिया गया उन्हीं की तरह अन्य को भी इलाज दिया जा रहा है। वहीं अब तक प्रदेश में करीब 4 करोड़ के लगभग लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, उनके सिम्टम्स से इनकी वो जांचे गए हैं कि किस तरह की उनकी सेहत है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी ली गई है। लगातार चिकित्सा विभाग
चीज को इसको लेकर लगा हुआ है। वहीं 1 लाख के करीब क्वारंटाइन है वो बनाए जा चुके हैं ताकि जो संक्रमण के फैलने की स्थिति अधिक हो तो उनको जो उनके संबंधित जो संपर्क में आने वाले लोगों को वहां पर रखा जाए। इन सब चीजों को लेकर चिकित्सा विभाग और प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश की सरकार के जो काम किए गए उनको लेकर केंद्र सरकार ने भी सराहना की है, अन्य जो WHO ने भी इसको सराहना की कि लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग की गई थी वो एक बेहतरीन मॉनिटरिंग कही जा सकती है राजस्थान सरकार की, और उसका नतीजा सामने आ रहा है कि जिस तरह से पिछले 5 दिनों में भिलोड़ा में एक भी केस पॉजिटिव सामने नहीं आया है, जो भी एक भिलोड़ा के लिए भी अच्छी बात है। वही बात करें तो जयपुर जिले में भी कल सुबह से बाद में जयपुर के रामगंज में जहां लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, वहीं जयपुर के रामगंज में कल सुबह के बाद में अब तक एक भी रामगंज के क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया, जो एक अच्छी बात कही जा सकती है। हालांकि जो 7 आज पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं वो तबलीगी जमात के हैं, जो महाराष्ट्र और झारखंड के नागरिक हैं, जो यहाँ पर धार्मिक प्रचार के लिए आए थे। और उसी को लेकर जिस तरह से चिकित्सा मंत्री ने कहा था कि धार्मिक प्रचार करना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का वायरस जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बीच में धार्मिक प्रचार रोककर लोगों को जागरूक किया जाए और अपने सोशल डिस्टेंस जो बना के रखनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर ध्यान में रखना ही इनकी मानवता है और वो भी एक धर्म है के लोगों को एक दूसरे से बचाना, कोरोना से बचाना भी एक धर्म कहा जा सकता है। और उसी को लेकर जिस तरह से चिकित्सा विभाग लगातार काम कर रहा है उसको लेकर एक और बताना चाहूंगा, जिस तरह से जिला कलेक्ट्रेट और अन्य प्रशासन है वो लगातार इसमें मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग की टीमें और जिसमें मुख्य रूप से जो नर्सिंग कर्मचारी है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो मुस्तैदी से लगे हुए हैं, वो दिन रात मेहनत करें। जी लोकेश, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनको बचाने के लिए।